क्वेश्चन नंबर 22 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं क्या इसमें पूछा जा रहा है। सक्षम लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल विशेस टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस। दे वर कंसिडरिंग टू ऑप्शन, दो ऑप्शन उसके पास है, ईदर टू डाइवर्सिफाई इन टू मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट और स्विचेस। दे वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ लैंड, वो अपना पैसा लैंड परचेस में लगाना चाहता है। टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ गुजरात, ताकि गुजरात के बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट कर सके। विच वुड ऑल्सो लीड टू द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस एरिया। अब अगर गुजरात के बैकवर्ड एरिया में बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाएगा तो वहाँ के लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट द इन्वायरमेंट वॉज नॉट पॉल्यूटेड, क्योंकि बिजनेस जहाँ पे होगा वहाँ इन्वायरमेंट फैक्ट्री से गंदा होता है, तो ये भी श्योर होना है कि इन्वायरमेंट आपका पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑफ मिस्टर रामाकांत कंपनी मिस्टर रामाकांत वॉज आस्क्ड बाई दी मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द फैक्टर विच शुड बी कंसिडर वाइल मेकिंग ऑन द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा हम लोगों को पता चल रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें ए नंबर पॉइंट है, स्टेट एनी टू फैक्टर डेट मिस्टर रामाकांत वुड गिव इन हिज रिपोर्ट। बी ऑल्सो स्टेट एनी वन रीजन विच मेक इट इंपॉर्टेंट फॉर द अबव डिसीजन टू बी मेड केयरफुली। एंड सी एंड स्टेट टू वैल्यूज बींग फुलफिल्ड बाय सक्षम लिमिटेड। आइए इसके आंसर पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग इस आंसर पे आते हैं। द फैक्टर डेट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द कंपनी वाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर एज फॉलोज। कैश इनफ्लो पॉइंट नंबर ए, द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रपोज प्रोजेक्ट शुड बी केयरफुली एनालिसिस एंड दी प्रोजेक्ट इंडिकेटिंग हायर कैश इनफ्लो शुड बी सेलेक्टेड, क्योंकि कैश इनफ्लो यहाँ ज़्यादा आना ही चाहिए, तभी बिजनेस में मनी को आप रोटेट कर सकते हो। देयर आफ्टर रेट ऑफ रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी केयरफुली स्टडीड इन टर्म्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड फ्रॉम द प्रपोज प्रोजेक्ट। इफ टू प्रोजेक्ट आर लाइकली टू ऑफर द सेम रेट ऑफ रिटर्न द प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लेस रिस्क शुड बी सेलेक्टेड। अगर दो प्रोजेक्ट सेम इन्वेस्टमेंट में हमें मिल रहा है तो जिसमें रिस्क सबसे कम हो उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए, इससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा और रिस्क का खतरा कम होगा। बी नंबर का आंसर है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द अबव डिसीजन इज टू बी मेड केयरफुली। इट अफेक्ट द ओवरऑल लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन फ्यूचर। जबकि सी नंबर का आंसर है, द टू वैल्यूज बींग फुलफिल्ड बाई सक्षम लिमिटेड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। थैंक यू।